हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईएसडी मूवीज़ क्लब में। आज हम आपको अल्लू अर्जुन के हिंदी डब मूवीज़ के बारे में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लू अर्जुन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार है, जिन्हें स्टाइल स्टार के नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारत में, खासकर मुंबई और उत्तर भारत में उनके बहुत बड़े प्रशंसक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अल्लू अर्जुन ने अपने करियर की शुरुआत तब की थी जब वह छोटे थे। फिल्म विजेता में एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अभिनय किया था। अल्लू अर्जुन टॉलीवुड के उन सितारों में से एक है जिनकी ज़्यादातर फिल्में हिंदी में डब की जाती है। आप उनकी हिंदी डब फिल्मों को यूट्यूब पर देख सकते हैं। नंबर एक, गंगोत्री। गंगोत्री एक 2003 की भारतीय तेलुगु भाषा की ड्रामा फिल्म है जो 28 मार्च 2003 को रिलीज हुई थी और इसे के राघवेंद्र द्वारा निर्देशित किया गया था। अल्लू अर्जुन और आदिति अग्रवाल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अभिनेता के रूप में अल्लू अर्जुन की यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म को गोलमाइंस टेलीफिल्म द्वारा गंगोत्री नाम से हिंदी में डब किया गया था। नंबर दो, आर्या। आर्या 2004 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है जो 7 मई 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म में अल्लू अर्जुन, अनु मेहता ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म का निर्देशन सुकुमार ने किया था। रिलीज होने पर फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस फिल्म को आर्या की प्रेम प्रतिज्ञा इस नाम से हिंदी में डब किया गया था। नंबर तीन, बन्नी। बन्नी यह 6 अप्रैल 2005 में रिलीज भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म का निर्देशन वी विनायक ने किया था। यह अल्लू अर्जुन की तीसरी फिल्म है जो गंगोत्री और आर्या के बाद उनकी लगातार तीसरी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और गौरी मंजुला मुख्य भूमिका में है, जबकि प्रकाश राज, शरद कुमार और मुकेश ऋषि सहायक भूमिका निभाते हैं। इस फिल्म को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा बन्नी द सुपर हीरो नाम से हिंदी में डब किया था। नंबर चार, हैप्पी। हैप्पी 27 जनवरी 2006 को रिलीज भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। करुणाकरण द्वारा निर्देशित फिल्म में अल्लू अर्जुन, जेनेलिया डिसूजा और मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में है। फिल्म अल्लू अरविंद द्वारा निर्मित थी। इस फिल्म को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा दम नाम से हिंदी में डब किया गया था। नंबर पाँच, देश मुदुरु। देश मुदुरु 12 जनवरी 2007 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जो पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में अल्लू अर्जुन और हंसिका मोतवानी मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। यह फिल्म अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक है। देश मुदुरु फिल्म को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा हिंदी में एक ज्वालामुखी नाम से डब किया था। नंबर छः, परगु। परगु एक में 2008 को रिलीज भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है जिसे भास्कर द्वारा निर्देशित किया गया है। अल्लू अर्जुन, शीला कौर और प्रकाश राज ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा वीरता द पावर इस नाम से हिंदी में डब किया है। नंबर सात, आर्या टू। आर्या टू 27 नवंबर 2009 को रिलीज भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म को सुकुमार द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म में अल्लू अर्जुन, काजल अग्रवाल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह रोमांटिक एक्शन फिल्म आर्या का आध्यात्मिक सीक्वल है। यह फिल्म आर्या टू नाम से तेलुगु फिल्म नगर इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। नंबर आठ, वरदू। वरदू 31 मार्च 2010 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन, आर्या और भानुश्री मेहरा प्रमुख भूमिका में है। इस फिल्म को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा एक और रक्षक नाम से हिंदी में डब किया है। नंबर नौ, वेदम। वेदम एक 2010 की भारतीय तेलुगु भाषा की एथोलॉजी फिल्म है जो कृष्णा द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन, अनुष्का शेट्टी, मनोज मंचू शामिल है। मोटे तौर पर हाइपरलिंकिंग सिनेमा शैली में फिल्म को समीक्षा द्वारा प्रशंसित किया गया जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार अल्लू अर्जुन को मिला। इस फिल्म को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा अंतिम फैसला नाम से हिंदी में डब किया है। नंबर दस, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ 10 जून 2011 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन वी विनायक ने किया है।
फिल्म में अल्लू अर्जुन, तमन्ना भाटिया, प्रकाश राज मुख्य भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक धार्मिक गुरु और मार्शल आर्ट विशेषज्ञ भीष्म नारायण द्वारा प्रशिक्षित एक कुशल योद्धा बद्री के इर्द गिर्द घूमती है। बद्री जब मंदिर का रक्षक बनता है तब अलकनंदा बद्रीनाथ मंदिर में आती है, लेकिन वो भगवान पे विश्वास नहीं करती। बद्री अलकनंदा के मन में भगवान को होने का विश्वास पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है। बद्री के गुरु को अलकनंदा और बद्री के बीच प्यार होने का संदेह होता है। प्यार और विवाह मंदिर के उत्तराधिकारी बनने के लिए नियमों के खिलाफ होता है। इस फिल्म को संघर्ष और विजय इस नाम से हिंदी में डब किया है। नंबर 11, जुलाई 9 अगस्त 2012 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की कॉमेडी फिल्म है, जिसे त्रिविक्रम निवास द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। फिल्म में अल्लू अर्जुन, इलियाना डिक्रूज, सोनू सूद मुख्य भूमिका में है। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित रही थी। इस फिल्म को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा डेंजरस खिलाड़ी इस नाम से हिंदी में डब किया है। नंबर 12, इधर मायला तो 31 मई 2013 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे पूरी जगन्नाथ ने निर्देशित किया था। फिल्म में अल्लू अर्जुन, आमला पॉल और कैथरीन त्रासा मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म को गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स द्वारा डेंजरस खिलाड़ी 2 नाम से हिंदी में डब किया है। नंबर 13, रेस गुर्रम 11 अप्रैल 2014 को रिलीज भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्मित और श्रीनिवास द्वारा निर्देशित फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन, श्रुति हसन और प्रकाश राज मुख्य भूमिका में है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म का बजट 50 करोड़ था और फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म मैं हूँ लकी द रेसर के नाम से गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। नंबर 15, रुद्रम्मा देवी 9 अक्टूबर 2015 को रिलीज भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जो रुद्रम्मा देवी के जीवन पर आधारित दक्कन में काकतीय साम्राज्य राजवंश के प्रमुख शासकों में से एक है और भारतीय इतिहास में कुछ शासकों में से एक है। गुणेश्वर द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म में रुद्रम्मा देवी के रूप में अनुष्का शेट्टी, अल्लू अर्जुन, राणा दघुपति, प्रकाश राज, नित्या मेनन और कैथरीन त्रासा मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म को रुद्रम्मा देवी नाम से गन्ना टीम वर्क के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया है। नंबर 16, सराय नायडू 22 अप्रैल 2016 को रिलीज भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जो बोयापति श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन, कैथरीन त्रासा, राकुल प्रीत सिंह, जयप्रकाश मुख्य भूमिका में है। 2016 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुआ था। फिल्म का बजट 50 करोड़ था और फिल्म ने 127 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म सराय नायडू के नाम से गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स चैनल पर उपलब्ध है। नंबर 17, धुआदा जगन्नादम डीजे 23 जून 2017 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे हरिशंकर द्वारा लिखित और निर्देशित दिल राजू द्वारा निर्मित किया गया था। फिल्म में अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म का बजट 50 करोड़ था और फिल्म ने 115 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म डीजे के नाम से गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। नंबर 18, ना पेरु सूर्या ना इल्लू इंडिया 4 मई 2018 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन, इनु एमोल और अर्जुन सरजा मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म को सूर्या द ब्रावे सोल्जर इस नाम से हिंदी में डब किया है। यह फिल्म जीफाइव के ऑफिशियल ऐप पे उपलब्ध है। नंबर 19, आला वैकुंठपुरमालो 12 जनवरी 2020 को रिलीज भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है,
जिसका निर्देशन त्रिविक्रम निवास ने किया है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े ने प्रमुख भूमिका निभाई है। इस फिल्म की हिंदी डबिंग राइट्स गोल्डमाइन टेल फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदी है। नंबर 20, पुष्पा। पुष्पा एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के साथ प्रकाश राज और जगतपति बाबू सहायक भूमिका में है। यह फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी और कन्नड़ भाषा में डब संस्करणों के साथ रिलीज होने के लिए तैयार है।